महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्री मद भागवत कथा श्री राम कथा भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैसे तो चित्रकूट में पहला दर्शन किया, यहाँ तो साक्षात्कार कराया राम जी का, कृष्ण जी में ही किया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। श्री रामचरित मानस में कृष्ण जी का नाम कितने बार है मालूम है आपको? मालूम है किसी को? 3 बार। और इतना प्यारा नाम दिया है, एक जगह जो उपमा दी है, 2 जगह तो कामदेव के प्रसंग में है। काम को रति को जब वरदान दिया, जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई है, हरण महामयी भारा कृष्ण तनय हुई है पतितूरा वचन, तो ये तो प्रकट में आ जाता है। लेकिन एक जगह पर श्री कृष्ण और बलराम की उपमा राम नाम के 2 अक्षरों से दी है, रकार से और मकार से। हाँ जी है जसोमत हरि हलधर से। ये हमारी जो जीव है ना, कितना सुंदर उपमा है, ऐसी उपमा बहुत दुर्लभ है कि हमारी जीव ये यशोदा है, यशोदा। और इस यशोदा के 2 लाडले पूत हैं, कृष्ण और बलराम, वही है रकार और मकार। यहां पर भी जो राम नाम की उपमा है वो जीव जीव और ब्रह्म से है। जी है जसोमत, और ये राम नाम कैसे हैं? का ये राम नाम के दोनों अक्षर हरि और हलधर के समान है। एक श्री कृष्ण है रकार और मकार बलराम दिए है, इसलिए जी है जसोमती हर। तो श्री इसमें और भी है, श्री मानी लक्ष्मी जी भी हैं, और लक्ष्मी जी से एक जगह पर स्पष्ट कहा है कि हम लक्ष्मी जी से सीता जी की उपमा दे नहीं सकते। हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? कहा उसमें कारण यह है कि लक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो समुद्र से हुआ है, और समुद्र में उनके साथ में जो लोग पैदा हुए सब उनके भाई हैं, तो 2 चीजें उनकी जो है, विश्व वारुणी बंधु प्रिय जे ही तो कही रमा सम किमी वैदेही। इसलिए यहाँ केवल श्री नहीं रखा, श्री के बाद में कह दिया जानकी। ये कौन श्री है? कहा जानकी है, श्री जानकी बल्लभ हो। तो कहा कि राम को ही कह देते ना, जानकी रखने की जरूरत ही क्या थी, आपको सीता केवल राम से ही काम चला लेते, जब राम नाम में ही रामानंदाचार्य के अनुसार राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों आ गए। कहा नहीं, राम जी की जो गरिमा है वो जानकी जी के कारण है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जी से पूछा गया कि आपने राम पंचायतन में जो राम जी के रामायण में जैसे शरीर में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसी तरह से रामचरित मानस में भी ये 5ों तत्व विद्यमान हैं। आकाश तत्व कौन है? भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है वो आकाश है, सर्वव्यापी है, जैसे आकाश सर्वव्यापक। चाहे आप रावण की कथा कहते रहो तो भी अगर बाहर कोई कहेगा क्या हो रहा है यहाँ पर पांडाल के अंदर, में कहेंगे राम कथा हो रही है, हम रावण की कथा भले ही कहते रहे, क्या होगी? राम कथा। राम कथा सब में व्याप्त रहेगी, चाहे कोई भी प्रसंग इसमें चलता रहे, लेकिन हर एक का नाम होगा राम कथा। ये आकाश तत्व है। और सीता जी क्या है? पृथ्वी तत्व है, क्षमा है, इसलिए क्षमा की दत्तात्री देवी है। राम जी आकाश तत्व, जानकी जी पृथ्वी तत्व, और लक्ष्मण जी महाराज तेज निधान लखन पुण्य तेज से अग्नि तत्व, और भरतलाल जी महाराज जल तत्व, भरत दीन निसवसन दसाई, एकदम जो क्षीर सागर का वर्णन जहां अंत में करते हैं ना, वहां पर उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से भरत जी जल तत्व हैं, शीतल तत्व हैं, शीत स्पर्श वत्ता आपाता साधुब्धा नित्या नित्याचा नित्या परमाण रूपा नित्याकार रूपा पुनस्तुब्धा शरीर इंद्रिय विषय भेदात दर्शन शास्त्र के अनुसार। तो इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज जल तत्व, जानकी जी महारानी पृथ्वी तत्व, राम जी आकाश तत्व, भरत जी जल तत्व, और हनुमंत लाल जी महाराज क्या है? वायु तत्व। चारों तत्व बने रहे, लेकिन वायु तत्व 1 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो सब मामला सियावर रामचंद्र जी के लिए। अगर व्यक्ति को जीवित है कि नहीं है देखना है, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है।